के अंदर है, सॉरी 1476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर है। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए, 7000 में से 1500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है, जो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है, देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फ़ोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे दिया जाता है, अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं। अभी एक पुलिसमैन थे हमारे अमित राणा जी, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई, कोरोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, हमारी रक्षा कर रहे थे। उनके परिवार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का की सम्मान ऐलान किया, सम्मान राशि का ऐलान किया। इसमें विपक्ष को क्यों तकलीफ है? मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें। मैं देख रहा हूं कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इधर उधर देखता हूं कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, उनके बयान पढ़ता हूँ, कई कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियाँ लेके चले थे वो रोटियाँ ख़त्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है, कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए, बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा, सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी, लेकिन अगर